आज हम कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार पर चल रहे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत आय से अधिक संपत्ति का मामला जो कि सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है उसके बारे में जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जुलाई को डी के शिव कुमार की याचिका को खारिज किया। इस याचिका में उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत उनके खिलाफ सीबीआई का आय से अधिक संपत्ति का मामला खारिज करने की याचिका नामंजूर कर दी गई थी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के खंडपीठ ने की। आपको बता दें कि आयकर विभाग ने अगस्त 2017 में नई दिल्ली और अन्य स्थानों पर शिव कुमार के विभिन्न परिसरों पर छापेमारी की जिसमें कुल 8,59,69,100 रुपए एकत्र किए गए। इसके बाद आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय के समक्ष शिव कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और साथ ही आयकर मामले के आधार पर ईडी ने भी मामला दर्ज किया। इस मामले को डिटेल में जानने के लिए लॉगिन करें हमारे वेबसाइट www.liveno.in पर और बने रहे हमारे साथ।